गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो बच्चों? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निशा, कैसे हो निशा? एकदम बढ़िया। हाँ सर, ठीक है। आप कैसे सर? हम भी थोड़ा ठीक ही है, थोड़ा ठीक है, थोड़ा खराब है। देखो, डर तो है ये घर से बाहर आने में, डर तो सभी को है ही। बस ये रोज आना पड़ता है, जाना पड़ता है, उसी में कभी कभी थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं आना जाना चाहिए। तो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे सेम टाइप के जो आपको क्लास में कराए थे, वो सब हो गए बच्चों? यस सर, सभी हो गए होंगे, मतलब एक जैसे वाले जो एक यस जैसे सर, हैं वो तो वही गए होंगे। यस सर, हो गए। अब देखो, हमारे पास, देखो आप ना एक काम करो, जिसमें भी डाउट है ना उसमें आप मार्क करके रखो, क्योंकि आप एक बात समझो, 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, इतना बड़ा चैप्टर है, इसमें अगर हम डाउट लेंगे ना तो पूरी क्लास डाउट में चली जाएगी और एक क्लास हमारी वेस्ट हो जाएगी। तो जैसे ही अभी ये चैप्टर थोड़ा सा ही बच रहा है, आगे के जो क्वेश्चन है वो भी, मतलब एक एक कॉन्सेप्ट के चार चार पांच पांच क्वेश्चन है, उसके बाद एक आपकी इस रेगुलर क्लास को छोड़कर अलग से क्लास रखेंगे, जिससे यहाँ भी लॉस नहीं होगा और आपके डाउट भी हो जाएंगे, क्योंकि 1 घंटे की क्लास है, इसमें डाउट भी अगर हम करेंगे तो समय थोड़ा सा वेस्ट हो जाएगा। तो बस आप ये चैप्टर थोड़ा सा और बच रहा है, उसके बाद इस क्लास से अलग आप 2 क्लास करा लेना, डाउट की 4 क्लास करा लेना, 5 क्लास करा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अगर छोटा सा ही डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी। सर जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 है ना? मेरे पास शायद ऐसे नंबर्स तो नहीं होंगे, आप क्वेश्चन वैसे ही बता दो एक बार। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1170, मैन अलाउज 10% डिस्काउंट एंड अर्न 30% प्रॉफिट। इफ द आर्टिकल इज सोल्ड एट 5% डिस्काउंट, व्हाट वुड बी द प्रॉफिट परसेंट? बताओ। तो सर इसमें जो हम CP लेंगे वो 95 लेंगे और जो MP लेंगे वो 130 लेंगे। हाँ बिल्कुल, ये एक हो जाएगा 90, एक हो जाएगा 130। अब इस पे आप 5% डिस्काउंट देने के बाद जो यहाँ पर आएगा, उसके बाद आपको इन दोनों से फाइंड आउट करना है कितना प्रॉफिट है कितना। अच्छा, 130 पे 5% डिस्काउंट देके फिर इन दोनों डिस्काउंट तो आप करेंगे। मार्क प्राइस पे दोगे ना, कितना आएगा ठीक है सर, इसका? ये डाउट। शायद इसका कितना होगा, 5% अगर आप देखोगे, 19 अपॉन 20 1 24, 4 तो नहीं होगा, 123.5 यही होगा शायद। बस उसके बाद इन दोनों में चेक करो, 13.5 अपॉन 90 मल्टी 4। हाँ जी सर। अब बच्चों एक बात आप मुझे ये बताओ, आप थोड़ा बहुत डिस्काउंट समझते हो? थोड़ा सा, तो फिर हम एक दो क्वेश्चन जो 20 में बचे थे इनको कर लेते हैं। करो इस क्वेश्चन को रीड। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, थोड़ा साइड में कर दो। पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा, अब दिख रहा है आयुष? थोड़ा सा और वो छोटा हो जाएगा इस हिसाब से। सर, आप उसको थोड़ा इस तरफ स्क्रॉल कर दो, राइट तरफ नीचे से, मतलब जूम करके। स्क्रॉल तो ये फुल स्क्रीन पे है ना, स्क्रॉल का वही में आ रहा है थोड़ा। ओके सर, मैं दूसरे उससे देख लूंगा। भाई बाकी सब बच्चों को बातें एकदम क्लियर दिख रही हैं इस क्वेश्चन की? यस सर।
क्योंकि यहां से तो ये पूरी स्क्रीन पर क्वेश्चन नहीं है, अगर हम इसको ज्यादा छोटा करेंगे तो फिर वो छोटा हो जाएगा। देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, कवर स्टोरी। देखो आपने 3,50,000 में 3,50,000 में आपने 3,500 बुक्स को पब्लिश करा, इसमें से आपने क्या करा 500 तो फ्री में दे दी कि भाई यार इसको आप फ्री में ले जाओ। उसके बाद आपने क्या करा, जब 29 बुक्स को परचेज करा उसमें भी आपको एक बुक फ्री मिल गई। जब आपने देखो 500 तो पहले ही फ्री बांटी सेल्समैन ने, जो उसका सेल्समैन था उसने 500 बुक्स तो पहले ही फ्री में दे दी। उसके बाद 29 बुक्स पर अगर कोई पर्सन 29 बुक परचेस करेगा तो उसको एक बुक वहां भी फ्री मिलेगी। उसके बाद इस कस्टमर को मिलेगा 25% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। तो आपको ये बताना है कि ये सारा प्रोसेस होने के बाद ये जो सेल्समैन है इसको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस होगा। समझ आया बच्चों क्वेश्चन? मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को समझ ही नहीं आया, देखो अब समझ आ जाएगा। आप मुझे ये बताओ टोटल आपके पास सीपी कितना है भाई, टोटल सीपी कितना है? 3,50,000। 3,50,000 ये है आपका टोटल, आपका टोटल सीपी कितना है। देखो इस क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करना है आपको कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे भाई, सीपी तो आपके पास है, आपको कहीं से एसपी और मिल जाए फिर आप बता दोगे कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। अब देखो क्वेश्चन में सीपी तो आपको डायरेक्ट गिवन है 3,50,000, उसके बाद आपके 3,50,000 में आपने कितने बुक्स को पब्लिश करा है 3,500। अब देखो एक बात आपको पता ही होगी, जो बुक आप फ्री में दोगे उसका कभी आपको पैसा कोई मिलेगा भाई? जो बुक आपने फ्री में दे दी उसका आपको कोई पैसा थोड़ी ना मिलेगा। तो आप सबसे पहले तो ये देख लो ऐसी कितनी बुक्स है जिनका आपको अमाउंट मिला है भाई। आपके पास टोटल बुक्स है 3,500, इसमें से बहुत सारी बुक्स को आपने फ्री दे दिया, तो आप उन सब फ्री वाली बुक्स को हटा दो, क्योंकि जो भी बुक फ्री होंगी उनका तो आपको कोई भी पैसा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो जब उनका पैसा ही नहीं मिलेगा तो फिर उनको हम हटा ही देते हैं। तो हम फाइंड आउट करेंगे इस 3,500 में से जिन बुक्स को भी हमने फ्री में दे दिया उनको हटा दो, जो रिमेनिंग बुक्स बची, रिमेनिंग बुक हमारे पास यहाँ आ जाएंगी। इसके बाद हमारे पास मार्क प्राइस है 160, इस पे हमने 25% अगर डिस्काउंट दे दिया तो इसका प्राइस कितना बचेगा 75%। तो यहाँ से आपके पास एसपी आ जाएगा और आप अपना आंसर बता दो। ये बात समझ आएगी बच्चों? पहले ये समझ लो क्वेश्चन करना कैसे है। है तो ये क्वेश्चन बहुत छोटा सा लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है। तो अब कुल मिलाकर आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको वो बुक्स इस 3,500 में से उन बुक्स को आप हटा दो जिनका आपको कोई पैसा नहीं मिला। अब देखो उनको कैसे आप हटाओगे, देखो सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में 500 बुक्स तो फ्री में दे दी, तो सबसे पहले तो आप इन 500 को हटा। आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितने बची भाई, आपके पास टोटल बुक्स थी 3,500, 500 आपने फ्री में दे दी, आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची 3,000। अब इस 3,000 में से भी आपने क्या करा है, जब 29 बुक्स को परचेस करा है तब एक बुक आपको फ्री मिली है। इस लाइन का मतलब क्या है बच्चों बताओ, जब आपने 29 बुक्स को परचेस करा है तो आपको एक बुक फ्री मिली है, इसका मतलब बच्चों ये होगा जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी तो उसमें से एक बुक फ्री होगी। भाई जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी तो उसमें से एक बुक फ्री वाली भी तो होगी बच्चों, तो हमें वो जो फ्री वाली बुक है उसको भी तो हटाना पड़ेगा। बात समझ आई बच्चों? भाई जब आपने 29 बुक्स को परचेस करा तब एक बुक आपको फ्री मिल गई, मतलब जब आपके पास आपके हाथ में टोटल 30 बुक्स होंगी तो एक बुक उसमें फ्री वाली भी तो होगी। बताओ बच्चे ये बात समझ आई, जब आपके पास टोटल 30 बुक्स होंगी तो इसमें से एक बुक फ्री वाली भी होगी। तो यहां से तुम्हें एक बात समझ आई,
कि भाई जब हमारे पास टोटल 30 बुक्स है तो हम हमारे पास एक बुक फ्री है, मतलब आप इस बात को ऐसे भी बोल सकते हो, जब हमारे पास 30 बुक है तो इसमें से एक बुक फ्री है, जब हमने नेक्स्ट 30 को परचेज करा फिर से हमें एक बुक फ्री मिल गई, जब हमने नेक्स्ट 30 को परचेज करा फिर से हमें एक बुक फ्री मिल गई, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा लास्ट तक। बताओ बच्चों ये बात समझ आई आपको? भाई जब आपके पास 30 बुक्स है तो उसमें से भी तो एक बुक फ्री है, बोलो बच्चों, इतने शांत बैठे हो। यस सर, समझ यस गया। सर यस सर। अब देखो आप क्या करोगे, आप कुल मिलाकर अब आपको ये पता चल गया कि भाई जब टोटल 30 बुक है तो एक फ्री है, तो बच्चों अब बार बार 30 30 तो लिख के बिल्कुल भी नहीं चेक करेंगे 3000 तक, तो हम ऐसा चेक कर लेते हैं कि भाई इस 3000 में 30 कितने टाइम्स आएगा, भाई इस 3000 में 30 जितने टाइम्स आएगा उतनी बुक आप फ्री में दे दोगे, तो आप मुझे ये बताओ ये जो 3000 है इसमें 30 कितने टाइम्स आएगा, आपने क्या करा इस 3000, टाइम्स बिल्कुल इस 3000 को आपने 30 से डिवाइड कर दिया, आपको ये पता चल गया कि भाई ये जो 30 30 30 30 हम कर रहे थे अभी, ये इस 3000 में ये जो 30 है ये 100 टाइम्स आएगा, तो अगर 100 टाइम्स आएगा तो इसका मतलब फिर आप 100 बुक फ्री में दे दोगे, भाई जैसे आपके पास टोटल बुक 3000 थी तो इसमें से भी आपने 100 बुक फ्री में दे दी, तो अब आप मुझे ये बताओ आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची, 2900। इसका मतलब अगर आप रियलिटी में देखोगे तो इतनी बुक का आपको पैसा मिला है, भाई इस 3500 में से आपको 2900 बुक्स का पैसा मिला है, तो हमें इन्हीं बुक्स की तो जरूरत थी, जिनका अमाउंट हमें मिला है इसको हमने नोट कर लिया, इतनी बुक का पैसा हमें मिला है, तो स्ट्रेस कितना है 160, इस पे हमने क्या करा है बच्चों 25% डिस्काउंट, अगर आप 25% डिस्काउंट दे दोगे 160 पर तो ये 160 कितना बचेगा 75%, तो 75% कितना हो जाएगा 3/4, यहां से आ जाएगा सेलिंग पोस्ट प्राइस पहले से ही आपके पास है, सेलिंग प्राइस यहां से आ जाएगा कितना होगा, ये डायरेक्ट 29 की मल्टीप्लाई कर लो 348। 348, इसका मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस है 3,50,000, टोटल सेलिंग प्राइस है 3,48,000, कितना लॉस हुआ 2,000, यही आपका आंसर है। आपको करना क्या था इस क्वेश्चन में, बस ये फ्री वाली चीजों को हटाना था, और इस कॉन्सेप्ट को आप हमेशा याद रखना, भी इसका आगे भी यूज होगा, भाई जिन बुक का आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा तो फिर इसका मतलब उसका यूज आप कभी भी सेलिंग प्राइस के लिए तो कर ही नहीं सकते, सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए तो आपको वो बुक चाहिए जिनका अमाउंट आपको मिला है, तो आपने सब कुछ करने के बाद लास्ट में 2900 वो बुक्स फाइंड कर लिए जिनका आपको पैसा मिला, तो कॉस्ट प्राइस आपको गिवन है, सेलिंग प्राइस यहां से आगे आंसर हो जाएगा 2000। बात समझ आई बच्चों? यस सर। इसको भी ऐसे रहने दो, इसको करो, सबसे पहले आपको फाइंड आउट क्या करना है आप वो देख लो, भाई आपको प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है, एक बात ये फिर से सेम ही क्वेश्चन है जो आपने अभी करा था, भाई कॉस्ट प्राइस आपके पास क्वेश्चन में कितना गिवन है, सबसे पहले तो आप कॉस्ट प्राइस देखिए, कॉस्ट प्राइस है आपके पास 5 लाख, अगर आपको सेलिंग प्राइस और मिल जाए तो आप दोनों को चेक करके बता दोगे कि भाई हमें कितने परसेंट प्रॉफिट या लॉस हुआ, अब कॉस्ट प्राइस तो आपको डायरेक्ट गिवन है, अब सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, अब बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे सेलिंग प्राइस,
ये बच्चों 500 होगा, सब कुछ ऐसे तो फ्री में चला जाएगा, 500 होगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है भाई, सबसे पहले तो आप एक बात हमेशा याद रखो, फ्री वाली जो चीज होगी उसको आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, तो आप फ्री वाली हटाते चले जाओ। भाई आपने 500 बुक्स को फ्री में दे दी, तो आपके पास रिमेनिंग बुक्स कितनी बची? 4500। इसमें से भी आपने क्या करा, 2/3 को, तो 4500 का 2/3 कितना होगा? 4500। सर मैं तो इंग्लिश में देख रही थी, उसमें तो फ्री वाली किताबें ही नहीं लिखी थी, मैं ये कह रही हूँ होगा कैसे? फ्री वाली किताब भी गायब कर दी उसमें तो। मैं कह रही हूँ 500 कैसे कह रहे हो, यहाँ तो लिखा ही नहीं है। इन्होंने बीच में 500 गायब ही कर दिया। ये आया कैसे 500? 500 बुक्स को फ्री में दे दिया, फ्री वाली चीजें तो आप हटाते चले जाओगे, तो उसके बाद आपके पास रिमेनिंग कितना बची? 4500। 4500 का 2/3 कितना होगा? 3000। अब इन 3000 बुक्स को आपने क्या करा है बच्चों, 20% डिस्काउंट पे। अब देखो मार्क प्राइस आपके पास गिवन है 200, इस मार्क प्राइस पे आपने 20% डिस्काउंट देने के बाद जो प्राइस आएगा उस पर आपने इन 3000 बुक्स को सेल कर, तो जब आप इस 200 पर 20% डिस्काउंट दोगे तो कितना बचेगा रिमेनिंग? 140। तो इसका मतलब ये जो आपके पास 3000 बुक्स है इनका प्राइस कितना हो जाएगा? भाई एक बुक का प्राइस है 140, तो 3000 बुक्स का प्राइस कितना हो जाएगा? 3000 × 140। इसके बाद जो भी रिमेनिंग बुक्स है उस पर आपने क्या करा, रिमेनिंग बुक्स को आपने मार्क प्राइस पे सेल करा, तो आप मुझे ये बताओ रिमेनिंग बुक्स कितनी बची? 1500। इन 1500 बुक्स को आपने मार्क प्राइस पे मतलब 200 पे सेल करा, तो यहां से आपके पास भाई टोटल सेलिंग प्राइस आ जाएगा कि टोटल सेलिंग प्राइस है इतना, बताओ फटाफट से कितना होगा? 7,50,000। अब देखो आपके पास सेलिंग प्राइस है इतना, लेकिन अब की बार आपने क्या करा, इस पे भी सेल्समैन को 10% डिस्काउंट दे दिया। जब आप इस सेलिंग प्राइस पे भी 10% डिस्काउंट दे दोगे तो आपके पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? अगर मैं 20% डिस्काउंट, अगर आप सेल्समैन को इस पर 20% डिस्काउंट दोगे तो इसका एक्चुअल प्राइस कितना बचेगा? इसका 80%। थोड़ा बच्चों खतरनाक सा हो गया ये, जीरो देख लेना इधर उधर ना हो जाए। प्रमोद बस एक सेकंड में इसको पूरा रिपीट कर देंगे, एक सेकंड रुको, बस बताओ बच्चे कितना हो जाएगा? 4/5 कर लो, ज्यादा जिंदगी आसान हो जाएगी, तो ज्यादा ये तो 5,76,000। कितना? 5,76,000। अब देखो आपके पास एक्चुअल सेलिंग प्राइस आ गया कि आपको रियलिटी में सारा प्रोसेस करने के बाद आपके आर्टिकल जो भी थे उनका सीपी कितना था? 5,00,000।
और सारा प्रोसेस करने के बाद एक्चुअल एसपी कितना हो गया 5,76,000, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बतानी है कितनी होगी, बताओ 76/5 लाख बिल्कुल मल्टीप्लाई 100 कितने परसेंट आपका आंसर होगा 76 को 5 से डिवाइड करो 15.2 आपको इतने परसेंट प्रॉफिट होगा। इस क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन थी, एक बार फिर से देख लो। देखो आपके पास टोटल 5,000 बुक्स का कोर्स प्राइस कितना है बच्चों 5 लाख। भाई देखो आपको कोर्स प्राइस तो गिवन है, सेल प्राइस अगर आपको और मिल जाए तो आप प्रॉफिट परसेंटेज लॉस परसेंटेज कुछ भी बता सकते हो। तो सीपी तो आपके पास है, अब एसपी फाइंड आउट करने के लिए जहां भी आप किसी को कोई फ्री देते हो तो फ्री का आपको कोई पैसा नहीं मिलता, तो आप फ्री वाली चीजें हटाते चले जाओ, आप लास्ट में जाकर एक्चुअल वो आर्टिकल फाइंड आउट करो जिनका रियलिटी में आपको प्राइस मिला है। तो सबसे पहले आपने इस 5,000 में से 500 बुक्स को फ्री दे दिया, तो रिमेनिंग बुक कितना बची 4,500। अब इस 4,500 के 2/3 को 4,500 का 2/3 कितना होगा 3,000। इस 3,000 को आपने 20% डिस्काउंट पे सेल कर दिया, तो भाई मार्क प्राइस एक बुक का मार्क प्राइस है 200। जब आप इस 200 पर, बच्चों तुमने कुछ गड़बड़ करा दी, डाउट था 160, इसीलिए कहते हैं कभी किसी को भरोसा नहीं करना चाहिए। भैया तो ये पूरा क्वेश्चन ही गलत हो गया, कैलकुलेशन अगर हम कर लेंगे मतलब कॉन्सेप्ट तो पता चल ही है। तो बच्चों अब आप बस इसको यहाँ 160 करके, और प्रमोद आप भी बेटा साउथ के हीरो बन रहे हो, आप ये नहीं बता रहे गलत हो गया, आप ये कह रहे हो 140 कैसे आया वो बताना, मतलब बच्चों अब इसको कर लेना, यहाँ 160 होगा बाकी तो सब ऐसे ही होगा, और यहाँ कितना हो जाएगा फिर 4,80,000, और फिर इधर कितना हो जाएगा, और फिर जब इस पर डिस्काउंट दोगे तो ये आ जाएगा, उसके बाद प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना, वही आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों, बस आपको थोड़ा सा चेंज करना है, इसमें 140 की जगह 160 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन अभी बहुत सारे आपके पास आएंगे। देखो एक क्वेश्चन अभी भी ऐसा था जिसको हमने बीच में छोड़ दिया, देखो यहाँ भी आपने क्या करा है, कुछ फ्री में दिया है, तो आप हमेशा याद रखो फ्री वाली चीज आप हटाते चले जाओ। अभी इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, देखो अब एक बात समझो आप, ये क्वेश्चन हो गया था बच्चों, ये तो शायद हो ही गए थे, देखो अब कुछ थोड़े इजी इजी क्वेश्चन कर लो। करो इस क्वेश्चन को रीड, तो भाई इतना प्रॉफिट होगा उस वाले क्वेश्चन का 24.8%। कैलकुलेशन अगर हो गई तो उसको आप थोड़ा सा कर लेंगे। देखो बच्चों आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे रह लो, तो एक छोटी सी बात समझ लो, भाई किसी आर्टिकल का प्राइस है 100, कोई भी आर्टिकल है उसका प्राइस है 100, आपने क्या करा इसको सेल करा और आपको 9% लॉस हो गया, तो इसका प्राइस कितना हो गया 81। अगर आप इसको 10 रुपए ज्यादा में सेल करोगे तो आपको 10% प्रॉफिट होगा। तो बच्चों आपको बस यहां ये बात समझनी, इतनी बात समझ आई बच्चों, एक आर्टिकल है आपने क्या करा उसको 9% लॉस पे सेल कर दिया, अगर आप उसको 10 रुपए ज्यादा में सेल करोगे तो 10% प्रॉफिट होगा। देखो यहां से मैं आपसे एक बात पूछूं कि भाई अगर आपने 10 रुपए ज्यादा में सेल करा
जैसे ही आपने इसको 10 रुपीज ज्यादा में सेल करा तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? क्या होगा बच्चों? जैसे आपने इसको 10 रुपए ज्यादा में सेल करा, वही अभी खड़े हो आप 91 पे, 91 से जब आपने इसको 10 रुपए ज्यादा में सेल करा तब आपको 10% प्रॉफिट हुआ। भाई 10% प्रॉफिट आपको कब होगा? पहले तो आप इस 9% लॉस को कवर करोगे, भाई पहले तो आप इस 9% लॉस को कवर करोगे, उसके बाद आपको 10% प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब जब आपके 10 रुपीज इंक्रीज हुए तो परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 19%। तो 19% की वैल्यू होगी 10। बताओ बच्चों ये बात समझ आई? भाई जैसे ही आपने 10 रुपए इंक्रीज कर दिए तो परसेंटेज के लिए सबसे पहले तो आपने 9 रुपए का लॉस कवर करा होगा, उसके बाद 10% प्रॉफिट लिया, तो परसेंटेज में टोटल कितने चेंजेस हुए? 19%। ये बात समझ आई बच्चों? अब ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आ गए सारे। करो इस क्वेश्चन को रीड और प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स में ज्यादातर क्वेश्चन इस टाइप के या जो हम नेक्स्ट टाइप करेंगे वैसे आते हैं। तो इसके बीच वाले कुछ क्वेश्चन थे वो तो उसमें से तो कुछ कैट के भी क्वेश्चन थे, और मुझे ये भी पता है कि आपको किस किस क्वेश्चन में दिक्कत आई, लेकिन चीजें आप सब करने लगोगे। देखो सपोज आपके पास किसी आर्टिकल का प्राइस है 100, आपने इसको 10% लॉस पे सेल कर दिया, मतलब 90। जब आपने इसको 9 रुपीज ज्यादा में सेल करा तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ? ट्वेल्व पॉइंट फाइव परसेंट। तो आप मुझे ये बताओ कि भाई जब आपने 9 रुपीज इंक्रीज करे, जैसे प्राइस को आपने 9 रुपीज इंक्रीज करा तो परसेंटेज में कितना चेंज हुआ? जैसे प्राइस को आपने 9 रुपीज इंक्रीज करा तो परसेंटेज में कितने परसेंट का चेंज हुआ बच्चों? बोलो भाई परसेंटेज में चेंज हुआ, सबसे पहले तो आपने 10% का लॉस कवर करा, उसके बाद आपको 12.5% प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप परसेंटेज में चेंज की बात देखोगे तो आपको परसेंटेज में कितना चेंज हुआ? 22.5%। और ये चेंज क्या हुआ? इस 9 रुपए को ज्यादा करने की वजह से। ये बात समझ आई बच्चों? यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड आउट करो, 100 में मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। अब देखो जब आपको एक बात पता है कि भाई जैसे ही हम 9 रुपीज इंक्रीज करेंगे वैसे ही सबसे पहले तो हमें 10% का लॉस कवर करना है। जैसे ही आप 9 रुपीज आपने इंक्रीज करे तो सबसे पहले तो ये 10% का लॉस आपने कवर करा, उसके बाद आपको 12.5% प्रॉफिट हुआ। तो आप इसको डायरेक्ट भी तो बच्चों ऐसे कर सकते हो, और आपने वैसे भी तो यही करा था भाई, जब आपने 9 रुपीज इंक्रीज करे तो सबसे पहले आपने 10% का लॉस कवर करा और उसके बाद 12.5% प्रॉफिट हुआ। इसका मतलब 9 रुपए की वजह से टोटल कितना चेंज हुआ? 22.5। तो 9/22.5 मल्टीप्लाई 100। यहां से भी वही बात आएगी, तो बार बार आप इसको ऐसे भी लिखोगे 100 से 90, 80। आप डायरेक्ट देखो 9 रुपए इंक्रीज करने की वजह से, 9 रुपीज इंक्रीज करने की वजह से सबसे पहले तो 10% लॉस कवर करा और उसके बाद आपको 12.5% प्रॉफिट हुआ। ये बात समझ आई बच्चों? अब ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखो आपके दिमाग में एक बात जरूर आई होगी कि सर अगर यहाँ पे प्रॉफिट होता तो, भाई अगर यहाँ भी प्रॉफिट होता तब आप क्या करते? 9 रुपए इंक्रीज करने की वजह से परसेंटेज में कितने चेंज हुए? जैसे आपने 9% अब मल्टीप्लाई 100 कर दो। अब अगर दोनों जगह प्रॉफिट हो तब आप ऐसे करोगे, लॉस और प्रॉफिट हो तो आप ऐसे करोगे, अगर लॉस लॉस है तब भी आप इसी मेथड से करोगे। तीनों बातें समझ आई बच्चों?
आपको बार बार लिखने की जगह आप डायरेक्ट ऐसे कर रहे हो, इसका आंसर कितना होगा? 40। अब आप इसको देखो, आप बस डायरेक्ट ये देखो, जैसे ही आपने प्राइस को इतना इंक्रीज कर दिया, परसेंटेज में कितने चेंजेस हो गए, बस प्राइस अपॉन वो परसेंटेज मल्टीप्लाई 100 आंसर आ जाए। कितना होगा 51.80। किससे डिवाइड करोगे इसे ये बताओ भाई। जैसे ही आपने 51.80 इंक्रीज करा, तो सबसे पहले तो आपने 12.5% का लॉस कवर करा होगा, उसके बाद आपने लिया होगा 6% प्रॉफिट। तो 51.80 इंक्रीज करने की वजह से परसेंटेज में कितने चेंजेस हुए? 18.5। तो ये जो 51.80 है, ये 18.5% की वैल्यू है। तो अगर आप यहाँ से 1% की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो वो इतना आ जाएगा, और 100% की फाइंड आउट करोगे तो वो इतना आ जाएगा। 280। बात समझ आई बच्चों? देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपके पास बुक पीडीएफ है उसमें। बोलो बच्चों ये बात समझ आई? ये तो डायरेक्ट परसेंटेज वाली बात थी। सोते से बच्चों बोलो। यस सर। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस का किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा टाइम्स एग्जाम में रिपीट हुआ है करो इसको। और आपने भी अगर कहीं मॉक टेस्ट दिया होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिला होगा। बच्चों आपको प्रॉफिट एंड लॉस की थोड़ी बहुत कहानी किसी लिए हुई? देखो बहुत अच्छा चैप्टर है ये, बात मैं आपको फर्स्ट क्लास से बता रहा हूँ, और बहुत डिफिकल्ट चैप्टर भी है, तो इस पे इतना टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। देखो आपके पास एक पर्सन है, वो किसी टेबल को 10% प्रॉफिट पे सेल करेगा। तो आप एज्यूम कर लो भाई, सपोज हमारे पास सीपी है 100। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आप इसको 10% प्रॉफिट पे सेल करोगे तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। बस लाइन में आपको यही बोल रहा है कि भाई आपके पास कोई टेबल है, आपने उसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, उसके बाद आपको क्या बोला है भाई, अगर आप इसको 5% लेस में परचेस करो तो भाई आप इसको 5% लेस में परचेस कर लो। अगर आप इसको 5% लेस में परचेस करोगे तो बच्चों अब इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? अब इसका भाई 100 का 5% होगा 5। अगर आप 100 में 5% के लॉस पे परचेस करोगे तो इसका सीपी हो जाएगा बच्चों 5.95। अगर आप इसको 95 में परचेस करो और 80 रुपीज ज्यादा में सेल करो, जितने में आप पहले सेल करते थे, अगर उससे 80 रुपीज ज्यादा में सेल करोगे तब आपको 20% प्रॉफिट होगा। तो बच्चों जब आपको 95 पर 20% प्रॉफिट लोगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस कितना आएगा? 1/5, 90 में कितना हो जाएगा? 1/14। कितनी बात समझ आई बच्चों? देख लो एक बार पूरा क्वेश्चन रीड कर लो, उसके बाद इसको देख लो भाई। अगर आपके पास एक्चुअल सीपी है 100, फिर से समझ लो, इस क्वेश्चन के एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देखो अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है 100, सबसे पहले आपने क्या करा, इसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो भाई सीपी है 100, 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 110। उसके बाद बोला है अगर आप इसको 5% कम में परचेस करोगे, तो आप 5% कम लेस में अगर परचेस करोगे तो अब सीपी कितना हो गया? 95।
इसके बाद बोला है अगर आप इसको 80 रुपीज ज्यादा में सेल करो, मतलब जितने में आप पहले सेल करते थे अगर उससे 80 रुपीज आप ज्यादा में सेल करोगे तब आपको 20% का प्रॉफिट होगा। सीपी है 95, प्रॉफिट लेना है 20%, तो एसपी कितना हो गया 140। अब आप मुझे एक बात बताओ कि भाई पहले आपके पास सेलिंग प्राइस था 110, अब आपके पास सेलिंग प्राइस है 114, सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ भाई? पहले आपके सेलिंग प्राइस ये था आपके पास, अब आपके पास सेलिंग प्राइस ये है, सेलिंग प्राइस कितना इंक्रीज हुआ बच्चों? 80 नहीं, अभी आप 110 और 114 से देखो सेलिंग प्राइस कितना हुआ, इंक्रीज हुआ 4। 4 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 80। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 20। 1 की वैल्यू आपके पास आ जाए, अब तो चाहे आपको कुछ भी फाइंड आउट करना हो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। 1 की वैल्यू आपके पास है, आपको क्या फाइंड आउट करना है? टेबल का प्राइस सीपी। 1 की वैल्यू है आपके पास 20, तो 100 की वैल्यू कितना होगी? 2000। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। समझ आया ये क्वेश्चन? यस। एक बात आप हमेशा दिमाग में रखो, आपको करना क्या होता है, आप अब इतने दिन से पढ़ रहे हो, एक बात आपको समझ आती होगी कि भाई हमें इस वन की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है बस। अगर कहीं से भी ये वन की वैल्यू आ जाए फिर तो आप कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप इसी बात का फोकस किया करो कि वन की वैल्यू आएगी कैसे। अब देखो सेम टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन करो, अब इसको ट्राई, अब इसको खुद से ट्राई करो आप। देखो आपके एग्जाम में तो इस टाइप के इजी इजी क्वेश्चन आएंगे 100%। फिर से समझो एक बार भाई, आपके पास कोई आर्टिकल है उसका सीपी है 100, आपने इसको 10% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो बच्चों आप सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? वन हंड्रेड है। उसके बाद आपको बोला है कि भाई अगर आप इसको 10% लेस में परचेज करो तो भाई आप इसको 10% लेस में परचेज कर, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 90। अगर आप 10% लेस में परचेज करो तो 2 रुपीज लेस में सेल करो तो आपको बच्चों कितना प्रॉफिट होगा? 16 कंप्लीट 2/3%। तो 16 कंप्लीट 2/3% कितना होगा बच्चों? 1/6। 1/6 90 का 1/6 कितना होगा? 15। तो अगर सीपी है 90, प्रॉफिट हुआ 15, तो एसपी कितना हो जाएगा? 105। भाई पहले आपके पास सीपी था 110, आज आपके पास सीपी है 105, सीपी कितना कम हुआ बच्चों? 5 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है? 2। तो 1 की वैल्यू कितना होगी? 2/5। 1 की वैल्यू है आपके पास 2/5, आपको फाइंड आउट करना है सीपी, मतलब 100 की वैल्यू।
वन की वैल्यू है टू अपॉन फाइव, तो बच्चों 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 40। बस ये आपका आंसर होगा। देखो आपके एग्जाम में इस टाइप के एकदम सिंपल सिंपल इजी इजी क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम के क्वेश्चन बहुत रेयर कंडीशन होते हैं कि डिफिकल्ट है। कैलकुलेटिव होना और डिफिकल्ट होना ये दोनों बहुत अलग अलग बात है। मेरा तो चला आ गया था सर। आपका क्या आ गया था ऐसा? क्योंकि ना इंग्लिश वाले में प्रॉफिट ऑफ 16 लिखा है बस। इंग्लिश में कुछ ज्यादा ही दिक्कत है। मैंने हिंदी नहीं पढ़ा था। हिंदी में बराबर सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, इंग्लिश में इतना गलत लिखा हुआ है। मैं कह रही अब ये 16 2 by 3 हो गया, फिर नीचे देखा। ओके कॉन्सेप्ट समझ आ गया। अब देखो बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन, खूबसूरत सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन सबसे पहले आया था कैट में, उसके बाद सीजीएल में, उसके बाद है अभी लेटेस्ट में सर स्टोरी। पहले तो ये देख लेना कि गड़बड़ तो नहीं है। देखो इस क्वेश्चन के ना मैं आपको दो मेथड समझाऊंगा, एक तो बेसिक और एक आप एग्जाम में कैसे करोगे। एग्जाम वाला मेथड तो डायरेक्टर की आ गया आंसर, लेकिन इसका बेसिक समझ लो। 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 1/4। क्वेश्चन में आपको क्या बोला है? अब आप फर्स्ट लाइन इसकी रीड करो कि भाई अगर आप 25% प्रॉफिट पे सेल करो, तो बच्चों अगर हम ऐसा कर लें कि भाई हमारे पास सीपी है 4x, अगर आपके पास सीपी है 4x और आपने 25% प्रॉफिट पे सेल कर दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा? 5x। ये है आपके पास सीपी, ये है आपके पास एसपी। भाई आपने देख लिया कि 25% है, अगर आपने इसके सीपी को एज्यूम कर लिया 4x, प्रॉफिट हुआ आपको 1, तो एसपी कितना हो गया? 5x। इसके बाद आपको बोला है कि भाई अगर आप इसको 950 रुपीज लेस में परचेस करो, तो सीपी है आपके पास 4x, अगर आप 4x में से 950 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आप इसको 950 लेस में परचेस कर लोगे। अगर आप इसको 950 लेस में परचेस करो और 950 लेस में सेल करो, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा? 5% मोर। आप मुझे ये बताओ, पहले आपको प्रॉफिट हुआ था बच्चों 25%, आज आपको 5% ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो अब आपको रियलिटी में कितना प्रॉफिट होगा? 30%। तो अगर आपके पास सीपी है बच्चों 100, 30% हुआ प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा? 130। ये बात समझ आई बच्चों? फिर से समझ लो। भाई आपने 25% ज्यादा में सेल कर दिया, अगर सीपी है 4x तो एसपी हो जाएगा 5x। उसके बाद बोला है अगर आप इसको 950 लेस में परचेस करो, तो भाई हमने 950 लेस में कर लिया परचेस, और अगर हम 950 लेस में सेल करें, तो 950 लेस में सेल कर दिया। अगर हम 950 लेस में परचेस करें और 950 लेस में सेल करें, तो हमें पहले जितना प्रॉफिट होता था ना, उससे 5% ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो पहले हमें कितना प्रॉफिट होता था? 25%। अब हमें 5% ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो अब प्रॉफिट होगा कितना? 30%। तो अगर सीपी है 100, 30 हुआ प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा? 130। यहां से आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आपके पास पोस्ट प्राइस कितना है, मतलब आपको फाइंड आउट करना है 4x की वैल्यू। बात समझ? आपको यहां से 4x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक मेथड तो इसका यह है कि आप कैलकुलेशन करोगे, चलो कैलकुलेशन कर ही लो,
इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 52x। इसको भी डायरेक्ट कर लो, लिखने की क्या जरूरत है भाई। 13 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे 52, 10 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 50, तो आपके पास कितना बचेगा 2x। भाई आप इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहां करोगे, तो जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 52 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आएगा। तो आप डायरेक्टली देख लो डिफरेंस कितना आ गया 2x। और कोई भी बच्चा ऐसा दिमाग लगाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, सच बताना, कि आप पूरे की मल्टीप्लाई कर रहे हो, कि मतलब 13 मल्टीप्लाई 950, 10 मल्टीप्लाई 950। देखो ऐसा नहीं करना, आपको थोड़ा सा दिमाग चलाओ भाई। जब आप 13 की मल्टीप्लाई यहां करोगे और 10 की मल्टीप्लाई यहां करोगे तो आपके पास यही तो रिमेनिंग बचेगा। समझ आई बच्चों बात? भाई 10-10 तो दोनों में से कट जाएगा, रिमेनिंग आपके पास 3 मल्टीप्लाई 950 बच जाएगा। तो 3 मल्टीप्लाई 950 कितना होगा, 2850। अब इसके बाद भी बच्चों आपको देखो, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4x की। तो इसके बाद भी आप ऐसे मत करना कि भाई पहले आप x की वैल्यू फाइंड आउट करोगे फिर 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 570, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका ओरिजिनल मेथड ये है। बताओ बच्चों ये बात क्लियर हुई आपको? यस सर। अब देखो एक इसके ट्रिक देख लो, लेकिन वो ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब आप सेम लेस करोगे, मतलब सेम लेस में परचेज और सेम लेस में सेल। मतलब क्या हुआ इस लाइन का देखो, एक्चुअल प्रोसेस तो इस क्वेश्चन का ये है और ये तो सभी जगह एप्लीकेबल होगा। और इस क्वेश्चन की ट्रिक आप याद भी मत करना, अगर याद रख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ ये तभी एप्लीकेबल होगी जब आप 950 लेस में परचेस करोगे और 950 लेस में सेल करोगे। मतलब जब ये दोनों चीजें सेम होंगी, जब ये दोनों चीजें सेम होंगी तब आप एक ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। वो ट्रिक क्या है, इन दोनों का सम कितना होगा 30/5 और मल्टीप्लाई 950। समझ आई बच्चों बात? सबसे पहले आप इन दोनों का सम करो, कितना होगा 30/5 और मल्टीप्लाई 950। लेकिन ये ट्रिक तभी एप्लीकेबल होगी जब ये दोनों सेम हो। अगर सेम नहीं होगा, अगर कभी ऐसा आ जाए कि ये सेम ना हो, भाई ये तो 950 है और ये कुछ भी होता 850 होता, तो फिर आपको इसके एक्चुअल मेथड से ही करना पड़ेगा। जो इसका एक्चुअल मेथड है ना अभी समझाया था, फिर आपको उससे करना पड़ेगा। प्रीवियस वाले से इसको कैसे करोगे भाई, ये जो आपने इस टाइप से बोल रहा रिमोट, इस टाइप से थोड़ी ना कर सकते हो आप इस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन इसी का नेक्स्ट वर्जन है भाई, पहले आपने ये क्वेश्चन करा था, इस क्वेश्चन का नेक्स्ट वर्जन है ये। जब आप इस क्वेश्चन को भी थोड़ा आगे और लेके जाओगे तो इसका नेक्स्ट वर्जन होगा ये जो आपने अभी करा है। लेकिन मैं आपको क्या समझा रहा था बच्चों, आप याद रखना ये, देखो इस ट्रिक तो तब भी होगी तब ये दोनों चेंज हो जाएंगे, लेकिन फिर आपके पास बहुत सारे ट्रिक हो जाएंगे। फिर वो जो ट्रिक होंगे वो इस चीज पे डिपेंड करेगी, अगर आपने 950 मतलब कम परचेस करा है, 950 लेस में परचेस करा है और 850 में सेल करोगे, फिर इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करेगी। डिफरेंस ज्यादा है तो ट्रिक अलग, डिफरेंस कम है तो ट्रिक अलग। तो इतने ट्रिक मत याद रखना, बस इसको याद रख सकते हो तो रख लो, वरना फिर वो बेसिक वाला आप याद रखो। अब इसको करो, देखो जैसे आपने देखा दोनों जगह 6600 है, तो फिर आप इसको उसी से कर लो जो आपको अभी समझ रहा था, कितना होगा
40 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 2400, ये हो गया आंसर। फिर से मैं बता रहा हूं, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये दोनों सेम हो। अगर ये सेम ना हो तो ट्रिक तो उसकी भी जब ये सेम ना हो, लेकिन फिर कंडीशन आती चली जाती है कि फर्स्ट कंडीशन में ये होगा, सेकंड कंडीशन में ये होगा, और जब तक आप उन कंडीशन को याद करोगे उससे अच्छा तो बेसिक ही करोगे, सभी जगह एप्लीकेबल होगा। समझ आया बच्चों ये क्वेश्चन? अब इनके बच्चों बीच बीच वाले क्वेश्चन आपको सारे करने हैं, जो आपकी वर्कशीट में क्वेश्चन है उसके बीच बीच वाले क्वेश्चन सारे करने हैं, और वो सारे इसी टाइप के हैं। Yes, अब देखो नेक्स्ट क्लास से करेंगे हम डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस, बस इतना ही था। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चंस, मतलब डिस्काउंट के क्वेश्चन किस किस टाइप से बन सकते हैं। बच्चों आप प्रॉफिट एंड लॉस से बोर हो गए क्या? नहीं सर, देखो बहुत अच्छा चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत अच्छा है। अगर आप इसके अगर आप कोई भी एग्जाम देखोगे ना, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई होगी, तो चार ही चैप्टर ऐसे होंगे जिस चार चैप्टर के क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर और एक ट्रेड। आप कभी भी कोई मॉक टेस्ट कर लेना, कभी भी कोई पेपर कराना, अगर आपको पूरी मैथ आती है और कोई क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ तो वो 110% इन चारों में से किसी चैप्टर का क्वेश्चन होगा। इस बात को आप खुद से देखना जब भी कोई टेस्ट दो, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत अच्छे चैप्टर है, और इनका देखो जितना रोल प्री में है इससे चार गुना ज्यादा मेंस में है। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, सब कुछ आराम से पढ़ते रहो। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जितने क्वेश्चन आपको यहाँ तक कराए हैं ना, आप इनको रिवाइज कर लेना। आगे के क्वेश्चन में किसी को मतलब आगे कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं आएगा, क्वेश्चन नए बन सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट यही सब होंगे जो आपने यहाँ तक पढ़ लिया, इस बात को आप याद रखना। और आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। एग्जाम में इतने ऊपर लेवल तक का क्वेश्चन कभी नहीं आएगा जितना आप कर रहे हो, लेकिन हाँ कर रहे हो। मेरी खराबी क्या वेल्थ है ना, जो सर हमें फिजिक्स पढ़ाते थे वो पेपर से एक महीना पहले एक पेपर बना के देते थे, तो लेकिन समझना, देखो अभी समझने का टाइम है तो समझो तो सब कुछ। लास्ट मोमेंट में तो मैं आपको खुद से 200-300-400 क्वेश्चन दूंगा पूरी अर्थमेटिक में से, बस उनको कर लेना बस। लेकिन अभी समय है तो सब मतलब 300 समझ लो बस, लास्ट में आपको बस 300 क्वेश्चन मिलेंगे, उनको करके जाना है आपको एग्जाम। लेकिन जब तक एग्जाम नहीं आ रहा तब तक सब कुछ समझते रहो। ओके बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय बच्चों।